नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। राख के मलबे में मिले दो मासूम के शव। रिलायंस आसन पावर का एसडीएम हादसा, अब भी पोकलन का ऑपरेटर है लापता। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने रिलायंस पावर पर ठोका 10 करोड़ का जुर्माना। 15 दिन के भीतर उपचारात्मक उपाय नहीं करने पर बंद होगा पावर प्लांट। संबंधित अधिकारियों की पानी बिजली की आपूर्ति भी होगी ठप। गुरुवार के सातवें दिन मिले 200 के साथ 500 बरामद। गत 10 अप्रैल के सिद्धिखुर्द स्थित रिलायंस आसन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में एसडीएम टूटने के भयावह घटना में हुए भारी जनमाल की व अंतिम बरवाड़ी क्षतिपूर्ति को लेकर सख्त मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिलायंस आसन पर पावर प्लांट पर जहां 10 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना ठोका है, तो वहीं आगामी 15 दिवस के भीतर खेत खलिहान गांव आदि स्थानों पर फैलाई एस डैम अन्य प्रभावित क्षेत्रों को मरम्मत कार्य नहीं कराने जाने पर रिलायंस आसन पावर प्लांट बंद करने की चेतावनी के साथ परियोजना को नोटिस थमा दिया गया है। इतना ही नहीं, परियोजना के संबंधित अधिकारियों को पानी बिजली आपूर्ति को ठप कर दी जाएगी। गौरतलब हो कि 10 अप्रैल को घटे रिलायंस आसन पावर प्लांट ने एस डैम टूटने के बाद 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने घटना स्थल पर विभिन्न निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम सिद्धिखुर्द सहित आसपास के कई गांव में पर्यावरणीय क्षति व जल स्रोत को नुकसान का साफ साफ आभास हुआ है। साथ ही देखा, सिर्फ रिलायंस पावर प्लांट जिम्मेदार नहीं, अनदेखी व ललचर कार्य प्रणाली की वजह से आधा दर्जन लोग काल के गाल में समा गए हैं। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने जल की धारा 33A अधिनियम 1974 के तहत रिलायंस आसन पावर प्लांट के एके सिंह, मुख्य कार्य अधिकारी सचिन महापात्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व स्टेशन निदेशक डॉक्टर अमितोष वर्मा, सहायक उपाध्यक्ष पर्यावरण शासन पावर को नोटिस दिया। नोटिस में जहां अंतरिम पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है, तो वहीं अगले 15 दिवस में उपचारात्मक उपाय करने के भी निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने परियोजना के जिम्मेदारों को थामाया। नोटिस में साफ साफ उल्लेख किया है कि रिलायंस पावर तकनीकी रूप में सुदृढ़ तरीके से मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम तुरंत करेगा, जिससे राख और पानी के बहाव को कम व रोका जा सके। खेल के परिसर, आसपास के क्षेत्र में खेत में, निचले इलाकों के बाहर, कृषि क्षेत्रों में, गांव और प्राकृतिक जल स्रोतों के बाहर जमा व फैलाई एस डैम हटाए ताकि यह रिहंद जलाशय तक न पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त अन्य प्रभावित क्षेत्रों को मरम्मत व बहाली के लिए समयबद्ध कार्य का योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने उक्त कार्यों को 15 दिवस के भीतर करने का निर्देश दिया है। उक्त समय अवधि के मरम्मत व राहत का कार्य पूरा उक्त समय अवधि मरम्मत व राहत कार्य पूरा नहीं होने पर पावर प्लांट को बंद करने की चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, परियोजनाओं के संबंधित अधिकारियों के पानी व बिजली आपूर्ति को ठप कर दी जाएगी। सिंगरौली कलेक्टर KVS चौधरी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफर इंडिया की सिंगरौली संवाददाताओं को बताया है कि फ्लाई एश भरने के कारण क्षतिपूर्ति हुई कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर लिया गया है। कल 17 अप्रैल से किसानों के खेतों में नुकसान की राशि डाल दी जाएगी। सातवें दिन मिले 200 को कुल 5 बरामद। आदत पीसी ऑपरेटर की तलाश जारी। गत 10 अप्रैल से रेस्क्यू में लगी तकरीबन 4 सैकड़ों NDRF, SDRF, पुलिस व राजस्व की कुल दर्जन भर टीमों में चिलचिलाती धूप में जारी सर्चिंग के दौरान घटना के सातवें दिन 16 अप्रैल को गायों नाला से मासूम अंकित पुत्र दिनेश सा उम्र 3 वर्ष, सीमा पुत्री भया राम साहू 9 वर्ष का शव बरामद कर लिया। ज्ञात हो कि घटना के दूसरे दिन अभिषेक सा पुत्र भया राम 8 वर्ष व दिनेश कुमार पुत्र बिसाहू लाल 35 वर्ष का शव बरामद किया था। घटना के तीसरे दिन चुनकुमारी सा पत्नी भया राम 27 वर्ष का शव तलाशने में सर्चिंग टीम को सफलता मिली। घटना के मलबे के साथ बहे 6 में से 5 का शव बरामद गया है, जबकि सर्चिंग टीम को अभी भी पीसी ऑपरेटर की तलाश है। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426।